चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, मनी क्रिएशन भी कहते हैं और मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये वाला टॉपिक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको आसानी से 4 नंबर में मिल जाएगा। नहीं तो साल में कम से कम 2-3 बार आपके जो स्कूल वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको ये टॉपिक अटेंड करने का मौका मिलेगा 4 मार्क्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक क्या कहता है कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो बहुत ज़्यादा चला के, मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक बहुत शातिर है, वो पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही दे के अपना लोन क्रिएट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बैंक को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर कैसे करना है। बैंक इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, उस्ताद है एकदम बैंक। तो यही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करता है। चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। हमारा टॉपिक का नाम क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर बाय कमर्शियल बैंक। शुरू करते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब हुआ कि फिलहाल बैंक के पास अपना या आरबीआई से लिया हुआ 1,000 करोड़ रुपया है। ये 1,000 करोड़ आरबीआई ने बैंक को दे रखा है या बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये सारा का सारा पैसा बैंक के डिपॉजिट में काउंट होगा। ये इनिशियल का मतलब है यहाँ से ये हमारा पैसा स्टार्टिंग है, एक तरीके से हमारे डिपॉजिट को स्टार्ट करने के लिए हमने एज्यूम कराया कि बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, इस डिपॉजिट को वो बैंक या तो लोन देने में यूज़ करेगा या फिर उससे पहले उसको LRR मेंटेन करना पड़ेगा। LRR मान के चलते हैं हम लोग मात्र 10% हमारा LRR है। ठीक है, मतलब इस 1,000 करोड़ का बैंक अगर लोन देने से पहले, किसी को लोन देना चाहता है तो उससे पहले उसको 10% इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अंदर, LRR के अंदर। यही मेरा 1,000 करोड़ इस डिपॉजिट के अंदर लिखा जाएगा। फिलहाल बैंक के पास पूरा 1,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, बैंक इसका लोन देना चाहता है लेकिन लोन देने से पहले उसको मेंटेन करना पड़ेगा कंपलसरी LRR जो है 10%। चलिए 1,000 करोड़ का 10% सबसे पहले LRR बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास 200 करोड़, 100 करोड़ आ गया। बाकी बचा कुचा जो पैसा है डेट इज 900 करोड़ का बैंक ने लोन दिया किसको, ए को। ठीक है, अब दोस्तों जब बैंक लोन देता है तो ये थोड़ी ना कि भाई ए को बुलाएगा और उसके बाद कहेगा जी भाई साहब ट्रक लेके आ जाओ और 2,000 के नोट लेके चले जाओ, 900 करोड़ गिन के चले जाओ, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। बैंक जो है वो ए का अकाउंट खोलेगा अपने ही बैंक में और उस अकाउंट के अंदर ये 900 करोड़ पे क्रेडिट कर देगा, उसको दे देगा, जो भी यूज़ करना है ए यूज़ कर सकता है। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, यहाँ पर ए ने लोन लिया है, लोन लेने के बाद ए उस पैसे को घर पे सजा के थोड़ी ना रखेगा। ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा, उसने अगर 900 करोड़ का लोन लिया है तो कहीं ना कहीं उसको 900 करोड़ की जरूरत होगी, डेफिनेटली जरूरत होगी, वो इस पैसे को खर्च करेगा। और बैंक में पड़े इस पैसे को खर्च करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑब्वियस ही बात है इस पैसे को वो चेक के थ्रू दे सकता है। सपोज उसने 900 करोड़ रुपये की फैक्ट्री खरीदी तो 900 करोड़ की पेमेंट देने के लिए उसने 900 करोड़ रुपये का चेक बनाया और जो सामने वाली पार्टी थी ABCD कोई भी हो सकती है वो, उसको ये पार्टी को चेक दे दिया। अब उस पार्टी के पास ये चेक आ गया, वो चेक ऑब्वियस ही बात है पार्टी आके बैंक में लगाएगी, बैंक के पास फिर वो 900 करोड़ आ गया, वो पार्टी आके बैंक में 900 करोड़ रुपये जमा करा के चली गई, ये डिपॉजिट हमारे पास फिर आ गया। अब बैंक के पास फिर 900 करोड़ है, बैंक फिर लोन देना चाहता है लेकिन लोन देने से पहले सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बैंक को क्या मेंटेन करना है, LRR। चलिए मेंटेन करते हैं कितना, 10%, 900 करोड़ का 10%, मतलब ओनली 90 करोड़ का हमने फिर मेंटेन कर लिया गया LRR। बाकी कितना बचा, 810 करोड़ का हमने फिर क्या लोन दिया किसको दिया, अब दिया हमने लोन दिया बी को, वट एवर हुसो एवर बी इज, जिसको भी था हमने दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, बी फिर खर्च करेगा, बी का अकाउंट हमारे ही बैंक में है, बी खर्च करेगा, चेक देगा किसी ना किसी को, वो पर्सन फिर उस अकाउंट को या उस जो चेक मिला है उसको आके लगाएगा और मानते हैं कि वो हमारे पास दोबारा आ गया, 810 करोड़ उसने हमारे पास आके, जिसको भी बी ने चेक दिया था उसने आके फिर जमा करा दिया 810 करोड़ पे, हमारे पास फिर पैसा आ गया। अब इस पैसे का फिर मैं वही करूंगा कि 10% भेजूंगा LRR में, मतलब हो गया हमारे पास कितना हो गया, सोचिए 810 का 81 करोड़ रुपीज, और बचा कितना, 729 करोड़। अब हमने लोन दिया किसको, सी को, अब ये पैसा फिर सी ने जिसको भी दिया वो आके जमा करा देगा, फिर बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा 729 करोड़। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। अब आगे इसी कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगी, छोटी 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 कैलकुलेशन, इतनी करने की जरूरत नहीं है, बहुत है जितनी हमने करी।
अब मेन हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट घूमता है, ये जो कंसेप्ट आता है कि इनका टोटल कितना कितना होने वाला है, ये सबसे अहम सवाल है कि इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना होगा और इसका भी टोटल कितना कितना होगा। इसका टोटल तो दोस्तों हमें पता है, इसका टोटल तो चेंज हुआ ही नहीं, इसका टोटल तो वही है, 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ का 1000 करोड़ ही रह गया, कोई चेंज हुआ ही नहीं इसके अंदर, तो सेम फिगर आ गई। अब यहीं पे हमारा क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का कंसेप्ट शुरू होता है कि ये पैसा कितना होगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। मतलब जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है दोस्तों, इनिशियल डिपॉजिट 1000 हमारे पास, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट करने से मुझे टोटल पैसा पता चलेगा, मेरा पैसा कितना गुना हुआ है, कितना पैसा हुआ है, इसका मुझे पता चल जाएगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए निकालते हैं कितना होगा टोटल पैसा। 1/LRR की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है कितनी, 10% है, 10% है हमारे पास है, बहुत आसानी से मैं यहाँ लिख दूंगा 10, लेकिन परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मिनटू ऊपर करना पड़ेगा इंटू 100, और इनिशियल डिपॉजिट आपके पास है दोस्तों कितना, 1000 करोड़। ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, जीरो से गई जीरो, कुछ नहीं बचा नीचे, 10 × 1000 ये हो गया दोस्तों हमारे पास कितना, पूरे 10000 करोड़ रुपये। 1000 के 10000 हो गए, 1000 के 10, 1 के 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, बैंक कर रहा है 1 का 10 खुलेआम, यहाँ पे लॉटरी बेची जा रही है 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, लेकिन बैंक कर रहा है। तो ये हमारा टोटल डिपॉजिट हो गया दोस्तों कितना, हमारा 10000 करोड़ रुपये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। हर बार हमारा कमर्शियल बैंक 10% भेज रहा था LRR में, अभी भी इसका 10% जाएगा LRR में, ये 10% होता है हमारे पास, 10000 का 10% कितना होता है, पूरा 1000 रुपया, और बाकी जितना भी अमाउंट बचता था इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते थे लोन के रूप में, 10000 में से 1000 गया कितना दोस्तों हमारे पास, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 9000 करोड़ रुपए। ये हो गया दोस्तों हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 करोड़ से बैंक ने शुरुआत करी थी पैसा देने की, ठीक है, वो 1000 करोड़ मार्केट में घूमता गया, पैसा वापस आता गया, घूमता गया, पैसा वापस आता गया, पैसा जैसे जैसे पैसा वापस आता रहा, बैंक का डिपॉजिट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो डिपॉजिट टोटल 10000 करोड़ रुपये का हो गया। 1000 से शुरू करा हुआ डिपॉजिट आज टोटल 10000 करोड़ का हो गया, जिसमें से बैंक ने 9000 करोड़ का लोन दे रखा है पब्लिक को, 1000 करोड़ से 9000 करोड़ का लोन दे दिया बैंक ने। और सबसे अच्छी बात है, ट्विस्ट यहां पर आता है कि बैंक ने सारा का सारा अपना पैसा निकाल लिया, पब्लिक का पैसा, पब्लिक को टोपी इधर से उतार के किसी और के सर, पैसा पब्लिक का पब्लिक को ही दे रहा है, और कमा कौन रहा है, बैंक। तभी तो मैं कह रहा था बैंक बहुत स्मार्ट है। कैसे पता चला ये पैसा बैंक ने निकाल लिया दोस्तों, LRR हमने पढ़ा था कि कुछ पैसा जो टोटल डिपॉजिट है बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है या RBI को देना पड़ता है, तो टोटल जो पैसा बैंक अपने पास मेंटेन करेगा RBI को देगा वो होगा 1000 करोड़, और बैंक ने शुरुआत भी करी थी 1000 करोड़ से, मतलब जितना पैसा लगाया था उतना निकाल लिया, अब पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहा है और बैंक अच्छा खासा कमा रहा है। यही चालाकी है कमर्शियल बैंक की, इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जरा इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, एग्जांपल जी प्रकट हो जाइए, फटाफट आइए, जरा बच्चे समझना चाह रहे हैं, आ गया आपके सामने एग्जांपल, अरे वाह क्या बात है, शानदार एग्जांपल है आपके सामने, क्या कलर है इसका एग्जांपल का, चलिए समझते हैं। इस एग्जांपल में भी हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है दोस्तों पूरा 1000 करोड़ रुपए, लेकिन यहां पर जो हल्का सा चेंज है वो है हमारे पास यहां पर LRR की वैल्यू 20% है, थोड़ा सा चेंज हो गया यहां पर। चलिए शुरू करते हैं इसको, इनिशियल डिपॉजिट से आपने डिपॉजिट में लिखा पूरा 1000 करोड़ रुपए, अब आपको सबसे पहले LRR मेंटेन करना है 20%, तो 1000 करोड़ का या 1000 जो भी आपके पास यूनिट है उसका 20% होता है दोस्तों हमारे पास 200 रुपये, 200 हमने ट्रांसफर करी कहाँ पे, LRR में, और बाकी बचे कुचा लोन 800 का हमने दे दिया A को, मान लेते हैं हम लोग A को दिया, वही पैसा हमारे पास फिर घूम के आएगा क्योंकि A उस पैसे को खर्च करेगा चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू खर्च करेगा, पैसा जिसके पास जाएगा फिर वो आके जमा करा देगा बैंक में, पैसा फिर वापस आ गया 800, उस 800 का हमने फिर वही 20% मेंटेन करा, मतलब 160 रुपये, और 640 हमने लोन दे दिया किसको, B को मान के चलते हैं, फिर B ने वही वापस लिया,
इस 640 का फिर मुझे 20% मेंटेन करना है 128 रुपये 128, और बाकी बचा कुछ मैंने लोन दे दिया 512 का, फिर ये 512 वापस आ गया मेरे पास, और ये साइकिल ऐसी चलती गई और बहुत सारे आगे दिखा रखे आपको कैसे कैसे गई है ये। हमने इसको राउंड फिगर में करने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट क्या है। बात है रिजल्ट की, रिजल्ट ही आया, रिजल्ट के लिए मुझे फिर लगाना पड़ा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/LRR इनिशियल डिपॉजिट, मतलब 1/20 इंटू 100 परसेंटेज है हटा के इंटू 100 इंटू इनिशियल डिपॉजिट हमारा पूरा 1000 रुपया, 20 से हमने 100 काटा आया 5 × 2000 हो गया दोस्तों हमारे पास 5000 रुपये बहुत हो गया था। तो टोटल डिपॉजिट हमारा हो गया दोस्तों कितना 5000, हज़ार के पाँच मतलब एक का पाँच ध्यान रखने की इस बात को, बैंक ने 1 का 5 करा 1000 के 5000 बना दिए। लोन दोस्तों सबसे पहले हमने LRR मेंटेन करना है इसके अंदर, इस 5000 का 20% मैंने LRR में भेजा पूरा कितना 1000 रुपये, 5000 का 20% होता है 1000 रुपये, और बचा कुछ अमाउंट हमारे पास कितना 4000 रुपये का लोन हो गया। मतलब आप समझ चुके हैं बैंक बहुत शातिर है, लोगों का पैसा लोगों को दे रहा है, खुद कमा रहा है, बैंक इज टू कनिंग, समझ जाइए जरा। इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ध्यान रख के चलना आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसकी प्रैक्टिस करिए। आप इनिशियल डिपॉजिट अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं 2000 रुपये ले लीजिए, अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 2000 लेते हैं और हमारा क्रेडिट क्रिएशन LRR हमारे पास होता है सिर्फ 10%, तो आप टैली करेंगे इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। आपका जो टोटल डिपॉजिट आएगा दोस्तों वो आएगा 20000 रुपये, लोन आएगा पूरा 18000 रुपये और LRR आएगा हमारे पास 2000 रुपये। एक बार इस प्रैक्टिकल एग्जांपल को करके देखिए और टैली करिए, आपको एग्जांपल समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।